अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूट्यूब के साथ ही। तो काफी ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब के ऊपर एड ब्लॉकर्स को यूज करते हैं, लेकिन आपके लिए एक बैड न्यूज है। यूट्यूब एड ब्लॉकर्स को ब्लॉक करने के लिए एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। तो आप अगर चाहे मोबाइल के ऊपर, चाहे लैपटॉप के ऊपर, क्रोम के अंदर, किसी भी ब्राउजर के अंदर, यूसी ब्राउजर के अंदर, कहीं पर भी कोई भी यूट्यूब के ऊपर एड ब्लॉकर को यूज करते हो तो आप लोगों के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि यूट्यूब वाले इस सिस्टम को टेस्ट करें हैं। कुछ स्क्रीन शॉट्स भी सामने आए कुछ एरियाज के अंदर, कुछ कंट्रीज के अंदर यूट्यूब वाले इसको टेस्ट करें। आप लोगों को कोई इस किस्म का नोटिफिकेशन नजर आएगा ऊपर वाली साइट के ऊपर, आपको 1, 2, 3 जो नजर आ रहे हैं ये वार्निंग्स होंगी। YouTube आपको 3 वार्निंग्स देगा, अगर आप लोगों ने 3 वार्निंग्स तक अपने एड ब्लॉकर को रिमूव ना किया तो आपका जो प्लेयर है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। लाइक आपको 3 वीडियोस तक का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद YouTube कहेगा या तो आप प्रीमियम को यूज करो YouTube प्रीमियम को अगर आप लोगों ने एड्स नहीं देखनी, या फिर आपको एड्स देखनी पड़ेंगी। और यहां पर इस वार्निंग वाले नोटिफिकेशन के अंदर वो आपको डिटेल भी बताएंगे कि इट लुक्स लाइक यू मे बी यूजिंग एन एड ब्लॉकर, वीडियो प्लेबैक विल बी ब्लॉक्ड अनलेस यूट्यूब इज अलोविस्टेड और द एड ब्लॉकर इज डिसेबल्ड। वो कहेंगे कि भाई हमें लग रहा है कि आप एड ब्लॉकर को यूज करो, या तो फिर आप एड ब्लॉकर को खत्म करो, या फिर आप यूट्यूब को ही ना यूज करो, हम लोग नहीं तो आपको यूट्यूब डिसेबल वगैरह कर देंगे। इसके अलावा अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूं ना, तो देखिए यार मैं भी क्रिएटर हूं, मेरा भी जो रेवेन्यू आता है यूट्यूब से वो इन्हीं एड्स की वजह से ही आता है। और आप लोगों को भी एड ब्लॉकर को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें आप यूट्यूब के ऊपर जितना भी कंटेंट कंज्यूम करते हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं, तो बीच में अगर थोड़ी बहुत एड्स आती हैं तो आप लोग उनको बर्दाश्त कर सकते हो। अगर आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है एड्स के साथ तो आप लोग फिर प्रीमियम जो सब्सक्रिप्शन है उसका जुगाड़ कर सकते हो। वैसे पाकिस्तान के अंदर वो भी काफी ज्यादा एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर ही चल रही है, तो आपके पास काफी टाइम कम बचा अपने आप को जरा एड्स को देखने के लिए आप ट्रेन कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको जबरदस्ती फिर एड्स वगैरह देखनी पड़ेंगी, या फिर आपका जो प्लेयर है वो भी ब्लॉक किया जा सकता है। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि पिक्सल 8 सीरीज के बारे में। तो अभी रिसेंटली पिक्सल 8 प्रो की कुछ रियल लाइफ पिक्चर सामने आई है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। बैक साइड के ऊपर जो डिजाइन है ना काफी हद तक सिमिलर है, आप लोगों को वाइजर टाइप का डिजाइन मिल जाएगा, लेकिन जो बैक साइड के ऊपर कैमरा के लेंसेज का साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं पिक्सल 7 प्रो के साथ, आप लोगों को काफी ज्यादा ह्यूज कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हमें पीरोस्कोप लेंस भी नजर आ रहा है, और फ्लैश के नीचे वाले साइड के ऊपर कोई एप्पल का लाइटर टाइप का सेंसर नजर आ रहा है। फ्रंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल मिलेगा, गूगल वाले पिक्सल 8 सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये कब आती है और पाकिस्तान के अंदर ये किस प्राइस के ऊपर आती है, क्योंकि जो पिक्सल के फोन आ रहे होते हैं वो सारे के सारे डॉलर के रेट से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जितना डॉलर का रेट होगा उसी के अकॉर्डिंगली वो प्राइस पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी। पीटी अप्रूव इतने ज़्यादा लोग करवाते नहीं है, पिक्सल 5 सीरीज़ तक पैच होते हैं, 6, 7 सीरीज़ का अभी तक जुगाड़ इन लोगों से नहीं निकला, तो मुझे लगता है ये कोशिश कर ही रहे होंगे। तो ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। मार्केट के अंदर जो पिक्सल 5 सीरीज़ तक फोन हैं वो पीटी पैच के साथ सेल हो रहे हैं, जो कि मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता, ना इस चीज़ को मैं प्रमोट करता हूँ, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो पिक्सल 6 सीरीज है और जो 7 सीरीज है जिनके अंदर हमें टेंसर के चिपसेट्स मिलते हैं वो अभी तक मार्केट के अंदर आपको पैच नहीं मिलेगी। आपने अगर बाय करनी है तो आपको ऑफिशियल पीटी अप्रूव करवाना पड़ेगा, या फिर आपको विदाउट नॉन पीटी यूज करनी पड़ेगी। और जो 8 सीरीज है मुझे लगता है तब तक अगर जुगाड़ आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर 8 सीरीज का भी जो टैक्स होगा वो आपको एक फ्लैगशिप फोन जितना 1,10,15,20,000 के करीब ही देना पड़ेगा। बात करें नेक्स्ट फोन की, जो कि एक अगेन काफी इंटरेस्टिंग फोन है, जो कि नथिंग फोन 2। तो उसकी जो फर्स्ट लुक है वो सामने आ चुकी हुई है। काफ़ी ज़्यादा मुझे भी इस चीज़ का इंतजार था कि नथिंग वाले सेकंड जनरेशन के अंदर फोन के अंदर क्या चेंजेस लेके आते हैं। एक अच्छी चीज़ जो कि उन्होंने की है वो ये किया कि इतना ज़्यादा बड़ा जंप नहीं मारा, इतनी कुछ ज़्यादा बड़ी हाइप नहीं बनाई कि हम लोग इतने 120-140 वाट की आपको सपोर्ट देंगे, फुली ट्रांसपोर्ट कर देंगे, फुली ट्रांसपेरेंट फोन को कर देंगे, लाइक जिस तरह चाइनीज कंपनीज कर रही होती हैं। इन्होंने थोड़े थोड़े माइनर से चेंजेस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बैक साइड के ऊपर जो ग्लिफ इंटरफेस मिलता है उसके अंदर एक बड़ा चेंज, तो जो कैमरा के अराउंड लाइट्स ने उसको 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर दिया गया। इसके अलावा जो बैक साइड के ऊपर बड़ा रिंग था उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर दिया गया। इसका मकसद यह है कि आप लोगों को ज्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन मिल जाएंगी, आप ज्यादा कस्टमाइज कर सकोगे। अब क्या क्या कस्टमाइजेशन मिलती हैं ये तो हमें बाद में ही चीज पता चलेगी। इसके अलावा एक और चेंज नजर आ रहा है बैक साइड के ऊपर, यह है कि जो बैक पैनल है ना वो एज से थोड़ा थोड़ा कर्व कर दिया गया है। एप्पल की जो आईफोन 15 सीरीज आने वाली है उसके बारे में भी सेम यही चीज रिपोर्ट की जा रही है, तो मुझे लगता है नथिंग वालों ने ना जो रूमर्स थे उनको सुनकर पहले ही इस चीज को कॉपी कर लिया हुआ है, क्योंकि ये वाली जो ब्रांड पूरी की पूरी ने काफी हद तक एप्पल से इंस्पायर्ड लगती है, तो आप लोगों को इस किस्म की लुक मिलेगी। ओवरऑल काफी डिसेंट सी लुक है, लाइक इतने खास बड़े चेंजेस नहीं है, वही सेम आपको लाइट्स का पैटर्न मिल रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े इन्होंने बीच में से कट लगा दिए। आप लोगों को ये वाली लुक कैसी लग रही है आप लोग बता सकते हो। इस साल के एंड तक इस फोन के आने के चांसेस अराउंड नवंबर या फिर सितंबर अक्टूबर, लास्ट जो क्वार्टर होता है उसके अंदर ये फोन आएगा। लेट्स सी कि इसकी प्राइस कितनी होती है, क्योंकि जो प्राइस है ना वो हर ब्रांड की तरफ से हायर साइड
ब्रेड के ऊपर ही जा रही हैं, तो ये कहां पर स्पून को प्लेस करते हैं। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट ब्रेड के ऊपर जो कि है MIUI 15 के बारे में। तो ये चीज रिपोर्ट की जा रही है कि Xiaomi ने MIUI 15 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। एक इंटरेस्टिंग चीज जो कही जा रही है ये है कि जो MIUI 15 होगा ना ये एंड्रॉइड 13 के ऊपर भी बेस्ड होगा और एंड्रॉइड 14 के ऊपर भी बेस्ड होगा। लाइक आपको MIUI 15 के अंदर दो एंड्रॉइड के वर्जन के ऑप्शन मिल जाएंगे और मुझे ये लगता है कि काफी एक इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज है क्योंकि Xiaomi की जो लाइनअप है ना वो डिफरेंट कैटेगरी के फोन के अंदर आते हैं। तो Xiaomi एक ही सॉफ्टवेयर को हर किस्म के फोन के अंदर घुसा नहीं सकता, तो अगर Xiaomi डिफरेंट वर्जन को लेकर आता तो उनको ऑप्टिमाइज करना Xiaomi के लिए ज्यादा एक ईजी चीज होगी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि जो Redmi की नोट 13 सीरीज होगी उसके अंदर यह चीज कही जा रही है कि Xiaomi सबसे पहले MIUI 15 को लेके आएगा। इसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आएंगे इस चीज का तो अभी हमें आइडिया नहीं है। कुछ ये चीज कही जा रही है कि एनिमेशन को इंप्रूव किया जाएगा, बाकी आप लोगों को पता है कि जो विजिट्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया जाएगा। इसके बाद मूव करें आज की लास्ट अपडेट के ऊपर, तो ये वाली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा क्वेश्चन भी आ रहे थे कि क्या पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन की जो प्राइजेस है वो कम होने वाली है या फिर नहीं होने वाली। अगर मैं इन शॉर्ट बात करता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा बहुत जो ड्रॉप है वो देखने को मिलेगा, चाहे आप लोग आईफोन की बात करते हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान के अंदर जो फोन आते हैं लोकल जो ब्रांड्स उनकी बात करते हो, सभी की जो प्राइजेस हैं वो थोड़ी बहुत नीचे आने वाली है। उसकी रीजन काफी ज्यादा सिंपल सी है, पहले पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं थे, अभी रिसेंटली कोई डील वगैरह हुई है IMF के साथ, पाकिस्तान के अंदर जब डॉलर्स आएंगे तो जो डॉलर का रेट है इटसेल्फ वो भी नीचे आएगा। अभी मैं देख रहा था कि जो डॉलर का रेट है वो 275 के ऊपर है जो कि 10 से 11 रुपए डिक्रीज हुआ है, तो इसका जो इफेक्ट है आपको मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। जो प्राइजेस होंगी फ्लैगशिप फोन्स की वो थोड़ी बहुत नीचे आएंगी। आज की डेट के अंदर आपको ये डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जो स्टॉक पड़ा हुआ है अभी मार्केट के अंदर वो इस रेट के ऊपर तो नहीं आया, वो किसी और रेट के ऊपर ही आया और उस डॉलर के रेट के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो स्टॉक मार्केट है वो भी थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, तो ओवरऑल तकरीबन एक से डेढ़ वीक के अंदर अगर सिचुएशन यहीं पर रहती है, डॉलर का रेट 275 के करीब ही रहता है, तो तब आप लोगों को थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा डायरेक्टली तौर पर, क्योंकि जो स्मार्टफोन इंपोर्ट हो रहे हैं वो डॉलर के अंदर ही हो रहे होते हैं। और जहां तक बात है लोकली मैन्युफैक्चर्ड फोन्स की या फिर लोकल ब्रांड्स की, तो क्योंकि डॉलर अब पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं थोड़े बहुत, तो जो LCs वो में भी ओपन हो सकती हैं, तो जो नया स्टॉक है या फिर जो स्मार्टफोन की असेंबली है या प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगी, तो जो पुराने फोन जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से या फिर अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा थे, अब क्योंकि नए फोन्स आएंगे तो जो मार्केट के अंदर पुराने फोन्स जो कि दुकानों वाले ने स्टॉक किए हुए थे या फिर अपनी मर्जी के रेट के ऊपर बेच रहे थे, अगर इनकेस LCs ओपन की जाती हैं प्रॉपर तरीके के साथ तो उनकी भी प्राइजेस नीचे आएंगे क्योंकि नए फोन्स आएंगे, तो जो पुराने फोन्स हैं उन्होंने अपने पास में रखे हैं दुकानों वाले ने, तो उनकी प्राइजेस के अंदर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप लोगों को अभी फोन को बाय कर लेना चाहिए, तो यार देखिए एक वीक तकरीबन लगेगा प्राइजेस के अंदर इम्पैक्ट आने को, क्योंकि अभी कल ही डॉलर का रेट थोड़ा सा नीचे आया तो एक वीक तक आपको प्राइजेस के अंदर डिफरेंस नजर आएगा, उसके बाद आप बाय कर सकते हो क्योंकि ये एक हमें डोज मिली है, एक आर्टिफिशियल हमें पैसे मिले हैं, उसके बाद पता नहीं सीन क्या क्योंकि हमारा कोई प्रॉपर सिस्टम तो चल नहीं रहा, जब वो खत्म हो जाएंगे फिर डॉलर का रेट ऊपर चला जाएगा, फिर प्राइस ऊपर चली जाएंगी, तो आपने अगर बाय करना तो आप मार्केट के अंदर आने वाले 2 से 3 दिनों से लेकर 1 वीक तक जो अपडेट्स हम लेते रहिएगा, आपको जैसे ही प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत ड्रॉप नजर आता है तो आप बाय कर लीजिएगा इससे पहले कि वो जो डॉलर है वो खत्म हो और जो डॉलर का रेट है वो दोबारा से शूट अप कर जाए और LCs का जो सीन है वो भी ऑफ हो जाए, तो आप बाय कर लीजिएगा, मेरी ये ओपिनियन है। फाइनली आप लोगों को थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेट्स सी कितना ज्यादा प्राइस के अंदर ड्रॉप आता है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।